को, ठीक है, कहाँ किसको स्टडी करना होता है? पेंक्रियास, ये जो है आपके स्टमक रीजन में मौजूद होता है, एबडोमिनल कैविटी, ठीक है, आपके जो एबडोमिनल कैविटी है वहां पे मौजूद होता है पेंक्रियास, ठीक है। तो ये जो है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये हमने जब ग्लैंड को स्टार्ट किया था तो उस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी डक्ट्स होती हैं, उनकी नालियां होती हैं, ठीक है, उनकी डक्ट्स जो है वो होती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इनकी डक्ट्स जो है वो नहीं होती, ठीक है। यानी क्या, जो हार्मोन की रिलीज है, जो हार्मोन रिलीज करने हैं, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करने हैं, तो जो हार्मोन जो ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स किसी डक्ट के अंदर, किसी नाली के अंदर सिक्रीट करते हैं, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स ब्लड के अंदर डायरेक्टली जो है वो पुट कर देते हैं, इसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पैंक्रियास जो है ये वाहिद ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इतना बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, ठीक है, आपकी खुराक को हजम करने के साथ इसका ताल्लुक होता है एक्सोक्राइन का, ठीक है। तो हम जस्ट इसका एक पोर्शन पढ़ेंगे जो जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये इसके जो सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, ठीक है, इनके जो सेल होते हैं पैंक्रियास के, उनके नाम होते हैं जी अल्फा, ठीक है, और दूसरे का नाम होगा बीटा, ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये दो सेल्स मौजूद होते हैं पैंक्रियास में और ये क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये क्या है, बेसिकली हार्मोन्स हैं जो कि पैंक्रियास के सेल जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, ये हार्मोन है, ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ जी ग्लूकोस, ठीक है, ग्लूकोस आ गया, ठीक है, ये ग्लूकोस हो गया और यहाँ पे आ गया ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन, अच्छा। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है, ठीक है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या ये है कि ग्लूकोज की अमाउंट को जो है वो कम करता है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इसकी अमाउंट को कम करता है, किसकी, ग्लूकोज की अमाउंट, ठीक है। तो इसके साथ हम रेड कलर में लिख देते हैं इंसुलिन, इंसुलिन का काम करता है कि वो ग्लूकोज की अमाउंट को काम करता है, चाहे वो किसी और तरीके से ही, चाहे जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, ग्लूकोज का फंक्शन है कि वो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अमाउंट जो है उसको क्या करता है, उसको कम करता है। अब यहाँ पे मैं जो है ब्लू कलर से ड्रा करूंगा कि ग्लूकागोन क्या करता है, तो वो ग्लूकागोन से ग्लूकागोन को कन्वर्ट करके, सॉरी, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है, ठीक है, ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है, कौन, ग्लूकागोन, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया जो ब्लू कलर से शो रहा है, ये किसका फंक्शन है, ये है ग्लूकागोन को, ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन का फंक्शन है ये, ठीक है, कि वो ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है, ठीक है, जबकि इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि वो ग्लूकोज की अमाउंट को कम करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की अमाउंट को कम करते हैं। अब अगर हम देखें कि इनके जो सेल्स हैं के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन और अल्फा और बीटा सेल्स की और कन्वर्जन होने पड़ ली, तो ये जो
अल्फा और बीटा सेल्स हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा सेल्स हैं, इनको कंबाइनली कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसका नाम लैंगरहान था, ठीक है, उसके नाम के ऊपर आइलेट्स ऑफ लैंगरहान जो है इसका नाम रख दिया गया, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान उन सेल्स को कहते हैं जो कि किसके अंदर मौजूद है, पैंक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अल्फा और बीटा सेल्स हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है कि जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है, जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, तो इंसुलिन क्या करता है कि उसकी ग्लूकोज की अमाउंट को कम कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज की अमाउंट को कम कर देता है, तो बदले में क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम हो जाती है, तो साथ में क्या है कि जो इसके ओलट जो है ग्लूकागोन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं एट अ टाइम, रिलीज नहीं होता, ठीक है, एक टाइम में एक ही हार्मोन जो है रिलीज होता है, यानी कि दोनों जो है ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन रखते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ग्लूकागोन जो रिलीज होता है वो ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है, ठीक है, वो ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है, तो दोनों जो है एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे, एंटागोनिस्टिकली मतलब एक चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही तो दूसरी नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज की अमाउंट को कम करता है, जबकि ग्लूकागोन जो है वो इस ग्लूकोज की अमाउंट को कम करता है, ज्यादा करता है, ठीक है, दोनों जो है दूसरे को उलट काम करते हैं, और जो सेल्स पैंक्रियास के जो सेल्स हैं स्पेशल सेल होते हैं अल्फा और बीटा, जो सेल ये वाले हार्मोन रिलीज करते हैं उनको क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा डायबिटीज, शुगर की बीमारी जो है, ठीक है, हाँ हमारे यहाँ जैसे शुगर की बीमारी कहते हैं डायबिटीज, असल में इसमें क्या होता है, ठीक है, डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो किसी तरीके कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर बनना या तो कम हो जाती है या फिर क्या होता है कि बनती ही नहीं है, सिरे से बनती ही नहीं है, आप देखें ग्लूकोज इंसुलिन का क्या काम है कि वो ग्लूकोज की अमाउंट को कम करेगी, ठीक है, कम करेगी, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, फिर इंसुलिन रिलीज होता है और वो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, एक स्टोरेज कंपाउंड है ग्लाइकोजन जो कि बाद में टूट कर फिर से ग्लूकोज बना देता है जब आपको जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन आपने खाना खा लिया तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस जो है वो आ गया, ग्लूकोज आ गया, अब मसला ये है कि देखें ग्लूकोज आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब ग्लूकोज पड़ा रहेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो बनती रहेगी, इस तरह से नहीं है, लेकिन प्रोसेस में क्या है कि ग्लूकोज की जो है वो ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए, ग्लाइकोलिसिस आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था फर्मेंटेशन और रिस्पायरेशन वाले चैप्टर के अंदर कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है इनटू पाइरूविक एसिड जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जब ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के मॉलिक्यूल में, तो तब आपको मिलते हैं 36 एटीपी के मॉलिक्यूल, ठीक है, इतने 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो यानी कि इंसुलिन जो है वो प्रमोट करता है इस इन प्रोसेस को, सेलुलर रिस्पायरेशन को, तो होता क्या है कि जब एटीपी की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी बनाकर दे रहा है, ठीक है, तो अब इंसुलिन नहीं है तो सेलुलर रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, या तो स्लो हो गया या फिर रुक गया, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की कन्वर्जन जो है है, ठीक है, जब रुक गई है तो होता क्या है कि बंदे के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट तो ज्यादा हो जाती है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी नहीं रहती क्योंकि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही तो बदले में क्या है कि एटीपी की सिंथेसिस जो है वो क्या है, सिंथेसिस नहीं हो रही, ठीक है, सिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही, तो
सिंथेसिस नहीं हो रही तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट है आपके ब्लड के अंदर वो क्या करती है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आ गए, ठीक है, इसी तरह आपके जो लिवर है, ठीक है, लिवर किडनी की जो दीवारें हैं यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट से, ठीक है, ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट से वो चीजें डैमेज होना शुरू हो जाती है और बदले में क्या है कि आपकी बॉडी दिन ब दिन वीकतर होती जाती है, कमजोर से कमजोरतर होती जाती है और साथ में क्या है कि आप देखोगे कि शुगर के मरीजों के जख्म भी नहीं आते, तो उसकी वजह क्या है कि शुगर के मरीज जो है उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन एक दूसरा काम क्या करती है कि आपको अगर एक जगह के ऊपर कट लग चुका है, ठीक है, तो इंसुलिन आपकी बॉडी से वो हीलिंग प्रोटीन जो है जो कि हीलिंग का प्रोसेस करती है, जख्म को जोड़ने का प्रोसेस करती है, वो प्रोटीन लेकर आती है जो कि ये काम करती है। अब जब आपको कट लग गया और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन क्या करती है कि वो प्रोटीन लाती है जो हीलिंग का काम करती है, तो वो प्रोटीन उतनी जल्दी नहीं आती या फिर आती ही नहीं है, इसलिए शुगर के मरीजों के अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है हीलिंग वाला वो स्लो हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पेंक्रियास। पेंक्रियास के अंदर आपने पढ़ा कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा सेल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ठीक है, और ये रिलीज क्या करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। दोनों का फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करना, और दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हैं, यानी कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज के अमाउंट को कम करता है जबकि ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज के अमाउंट को ज्यादा करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड को याद रखने के लिए आप एक जो है वो चीज साथ में ध्यान में ये रख लें, रीनल का लफ्ज, ठीक है, रीनल, तो आपने ये जन के अंदर रखना है, जहाँ पे ये लफ्ज आएगा रीनल इसका मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द किडनी, ठीक है, एक इसके रिलेटिव है किडनी के। ये मैंने आपको होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि रीनल का मतलब जो होता है वो इसका मतलब है कि दिस इज रिलेटेड टू द किडनी। अब लिखा हुआ है एड्रीनल ग्लैंड, एड का मतलब आप ये समझ लें कि एडजेसेंट टू द किडनी, तो आपका जो किडनी है इसको भी को बिल्कुल टॉप के ऊपर इस तरह से जो है वो दो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं पैर की फार्म में, ठीक है, पैर की फार्म, ये जो किडनी है इस तरह से, ठीक है, किडनी है अगर ये इस तरह से इसके ऊपर जो है वो दो यानी कि एक किडनी के ऊपर दूसरा दूसरी किडनी के ऊपर ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, दो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पर बड़ा सारा जो है वो ड्रॉ करूँ ग्लैंड को, ठीक है, तो ये रेड कलर आ गया, ठीक है, सॉरी ब्लैक, तो ये आ गया जी एड्रीनल ग्लैंड का एक पोर्शन, ठीक है, इस तरह से एक मैंने बना दिया, ठीक है। अब साथ जो है मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया, और अंदरूनी जो हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा क्या कह देता हूँ डार्क कर देता हूँ, ठीक है, बाहर वाला पोर्शन जो है वो लाइट है और अंदर वाला पोर्शन क्या है वो लाइट है, ठीक है, अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया वो लाइट हो गया और बाहर वाला पोर्शन लाइट है, और यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है ये क्या है एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये क्या है एड्रीनल कॉर्टेक्स, मैं इसमें जो है वो ब्लू कलर शामिल कर देता हूँ, ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स है और अंदर वाला रीजन जो है इसे कहते हैं मेड्यूला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेड्यूला कहते हैं, तो दोनों जो है डिफरेंट हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, दोनों क्या है डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं और दोनों के हार्मोन जो है अपना फंक्शन भी डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रेड वाला जो है ये दोनों जो है कंबाइन हो के आपके पास बनाते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, दोनों जो है कंबाइन होके क्या बना रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड बना रहे हैं, ठीक है, और चले मैं इसको भी डार्क कर लेता हूँ इस तरह से, ये इसके अंदर वाला पोर्शन आ गया,
लेकिन टोटल कलेक्टिवली क्या है कि ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसको आपने जो है वो ऐसा नहीं समझना कि ये कुछ और पार्ट है, ये जो है दोनों दोनों के दोनों जो है वो क्या बना रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड बना रहे हैं, ठीक है, दोनों उसके पोर्शन है, एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है जी ब्लू कलर में, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जबकि जो इनर वन है, ठीक है, इनर वन है, इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो साइड वाला रीजन है इसको कहते हैं, और मेडुला जो है वो इन साइड रीजन है उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये अंडर ACTH काम करता है, ठीक है, अंडर ACTH काम करता है। और ACTH आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपने पढ़ा था जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, यहाँ पे हमने पढ़ा था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और ये हमने पढ़ा था कि एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो क्या रिलीज करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या जिसे ACTH इन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, ACTH जो है रिलीज करेगा, तो वो सीधा जाके क्या करेगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की जो है उनकी रिलीज उनको रिलीज करेगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो है जो कि है एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर रिलीज होते हैं, उनको रिलीज करेगा कौन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब देखिए यहाँ पे ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड, और उसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन है उसमें एक हार्मोन रिलीज हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है वो किसके अंडर काम कर रहा है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, और ये कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि वो इसकी हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की के अंदर जो है हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए उसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क था। तो यहाँ पे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होंगे उसमें उनका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोज को जो है वो मेंटेन रखना, ठीक है, मिनरल्स जो है आपकी पार्टी के अंदर और ग्लूकोज जो है उस उनकी अमाउंट को मेंटेन रखना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो एक हार्मोन जो है वो हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है कि मिनरल्स और ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन रखना, ठीक है। अच्छा, जबकि एड्रिनल मेडुला जो है जो इनर वन रीजन है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का आपको जो नजर आ रहा है, ये दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, या इनको कहते हैं, इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं, नेफ्रिन, ठीक है, सॉरी एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये दोनों जो है सेम ही हार्मोन को, मतलब के एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एड्रिनलिन हो गया और नोर आगे लगा ले नोर एपिनेफ्रिन तो वो नोर एड्रिनलिन हो गया, दोनों के दो दो नाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हार्मोन है ये बड़े मजे का काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, किस तरह से, जब आप जो है गुस्से में होते हैं, खुशी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या कोई आपको इमोशन आया होता है, ठीक है, या फिर ये कि आप डर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो ये दोनों हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। खासतौर पर आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो, दबाव में हो, ठीक है, प्रेशराइज हो, तब आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो
परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, जब एड्रिनल ग्लैंड रिलीज होगा, यानी कि एड्रिनल मॉलिक्यूल जो है, एड्रिनल हार्मोन जो है रिलीज होगा, एड्रिनलिन हार्मोन जो है रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, आपके उन बॉडी पार्ट्स को जो है वो, जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उनको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई जो है वो मुहैया कर देगा। ठीक है, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा कर देगा। किसकी तरफ, देखिए स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, स्केलेटल मसल आपके जो मसल आपको मूव करवाते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा कर देगा, तो उनको ज्यादा जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज्यादा जो है वहां पे एनर्जी बनेगी। ठीक है, और साथ में क्या है कि इंक्रीजेस हार्ट आउटपुट, यानी कि दिल में से जो ब्लड जा रहा है उसकी आउटपुट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा ब्लड जो है स्केलेटल मसल को जा रहा है, तो ज्यादा ब्लड जो है जो उसकी आउटपुट जो है दिल की वो इंक्रीज हो गई है। और कौन से मतलब टाइम के अंदर ये रिलीज होता है, जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा इमोशन में आ जाते हैं। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा इमोशन में आ जाते हैं तो होता क्या है कि आपके जो ये जो फेस का रंग है, वहां से देखते हो कि ये जो आपका फेस का रंग है ये क्या कैसे हो जाता है, गुस्से में जो है लाल हो जाता है। उसकी वजह क्या है, गुस्से के अंदर, यानी कि गुस्से के अंदर जब आपको इमोशंस वगैरह आ जाती है, बहुत ज्यादा इमोशन को आपका देखे गुस्से में आपका फेस का रंग जो है वो क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि आपके जो मुंह की तरफ जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे जो ब्लड है वो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, वहां पे जो ब्लड है वो क्या है, वो ज्यादा जा रहा है। इसलिए क्या है कि तो हम ये पढ़ते हैं कि आपके उसी के अंदर आपका फेस का रंग जो है वो क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है। ठीक है, लाल पड़ जाता है। तो बात कर रहे थे कि उसी के अंदर आपका फेस का रंग जो है वो सुर्ख पड़ जाता है, और उसकी वजह क्या है कि ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है स्केलेटल मसल की तरह। तो आपके मुंह के अंदर भी स्केलेटल मसल मौजूद है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्केलेटल मसल मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है वो, जब वहां पे ज्यादा ब्लड पहुंचता है तो वहां पे कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नोर एड्रीनलिन की। नोर एड्रीनलिन या नोर एपिनेफ्रीन, दोनों एक ही चीजें, ये क्या काम करते हैं कि ये कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। कहाँ पे, आपका गट। ठीक है, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है ये, और फेस की तरफ। ठीक है, फेस की तरफ। ठीक है, कब ये होता है, जब आपको डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आपको डर लगना शुरू हो जाता है तब क्या होता है कि आपकी जो गट रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरह आपके फेस को भी जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो बदले में क्या है कि आपका मुंह जो है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो वो होता है नोर एड्रीनलिन की प्रोडक्शन में। ठीक है, जब नोर एड्रीनलिन रिलीज होगा, और कब रिलीज होगा, जब आपको डर वगैरह लगेगा। ठीक है, तो आपके देखिए आपका हलक सूख जाता है। ठीक है, आपके जो फेस है वो येलो पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है कि ये जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर रिलीज होते हैं दोनों के दोनों हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोनेड्स। ठीक है, लास्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे पास जो कि हार्मोन्स की रिलीज करेंगे। ठीक है, तो गोनेड्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, और दोनों का फंक्शन क्या है कि वो क्या रिलीज करें, गैमीट्स रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, गैमीट्स रिलीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गैमीट्स रिलीज करेंगे, और गैमीट्स के साथ साथ जो गोनेड्स हैं वो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। गैमेट्स की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, और फीमेल के अंदर बात करें तो वहां पे एग सेल बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो ओवरी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होंगे उसे हम कहेंगे ऑस्ट्रोजन। ठीक है, एक हार्मोन का नाम क्या है, ऑस्ट्रोजन। और ये क्या करता है कि सेकेंडरी सेक्स क्रिएटर जो है फीमेल के अंदर वो डेवलप करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स क्रिएटर क्या होते हैं, यानी कि देखें आवाज का पतला हो जाना। ठीक है, डिस इनलार्जमेंट जो है वो हो गई। ठीक है, इसी तरह जो है
यानी कि बाकी जिस्म के अंदर यानी कि पब्लिक हेयर का आ जाना, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो चेंजेस है इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, जिस तरह मर्दों के अंदर हवास का भारी हो जाना, दाढ़ी आ जाना, ठीक है, और बाकी जो पब्लिक हेयर्स होते हैं जिस्म के ऊपर बाल वगैरह आ जाना, ये सारे सारे सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं। तो फीमेल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक यानी कि ब्लोगद वाली जो तब्दीलियां होती हैं वो ऑस्ट्रोजन के बदले में आती हैं, ठीक है। जबकि दूसरा एक हार्मोन है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि फीमेल को तैयार करता है कि वो प्रेगनेंसी की एक स्टेट को जो है वो कबूल कर रहे, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी जब होने लगती है तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि फीमेल को तैयार, उसकी बॉडी को तैयार किया जाए कि वो अब एक बेबी की ग्रोथ करवाएगी, ठीक है। तो दो हार्मोन रिलीज हो गए, एक ऑस्ट्रोजन जो कि क्या करता है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जो है उनको डिजाइन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी जो है उसको उसके लिए बॉडी को तैयार करता है, ठीक है। मेल के अंदर बात करते हैं तो मेल के अंदर क्या है कि टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस जो है कि हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और इसका काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है उनको डेवलप करना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को डेवलप करना, जिससे आपकी दाढ़ी आ जाती आ जाएगी या आ रही है, ठीक है, या फिर है कि आपकी आवाज बारीक होना शुरू हो जाएगी, आपके बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर इन मेल्स, ठीक है। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ये आफ्टर 10 to 14 या 18 या जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है आपकी बर्थ के बाद, ठीक है। तो ये है के दो गोनेट्स हैं, गोनेट्स में क्या है कि आपके पास ओवरी आती है और टेस्टिस आते हैं, ठीक है, दो ये गोनेट्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज, और दोनों क्या करते हैं हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसे कहते हैं ऑस्ट्रोजन, और जो साथ में क्या है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, और हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस जो है वो क्या है टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है।